राजेश ला सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग SC ST एक्ट के तहत, जिसको एट्रोसिटी एक्ट भी कहा जाता है, या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी कहा जाता है, इस एक्ट के तहत जब किसी व्यक्ति पर FIR दर्ज किया जाता है, तब उसे कब जमानत पे छोड़ा जा सकता है, कब जमानत पर नहीं छोड़ा जा सकता है, बाहर से जमानत क्या होता है, अंदर से जमानत क्या होता है, अग्रिम जमानत क्या होता है, अंतरिम जमानत क्या होता है, इन सभी विषयों पे हम एक एक करके बिंदुवार चर्चा करेंगे। ठीक है, यहां मैं एक धारा लिख दे रहा हूं, 3-2 BA। ठीक है, इसको 3-2 B-5 भी बोला जाता है, 3-2 B का भी बोला जाता है। ठीक है, तो अलग अलग FIR में अलग अलग जगह, हर जगह का पर्सनल अलग है, कहीं किसी राज्य में बी का लिखा जाता है, कहीं B-5 लिख दिया जाता है, किसी राज्य में FIR में BA लिखा जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 3-2 BA या 3-2 B-का या 3-2 B-5 लिखा है तो उसका एक ही अर्थ है, लिखने का तरीका बदल जाता है। हर राज्यों में जो FIR दर्ज होते हैं उसका फॉर्मेट अलग अलग होता है। ठीक है, हर राज्यों का एक जैसे नहीं होता। जब किसी व्यक्ति पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और उस पे धारा 3-2 VA भी लग गई है, 3-2 VA अगर लगा हुआ है, इसके साथ अगर 3-1 DA और 3-1 DHA भी लगा हुआ है, या 3-1 RR या 3-1 SS लगा हुआ है, तो भी आपको ध्यान रखना, यानी 3-2 RR-S। ठीक है, इसी को दा और धा हिंदी में बोला जाता है, तो 3-2 चाहे दा हो या धा हो, या तो 3-1 RS लगा हो या 3-2 DA और धा लिखा हुआ हो, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। 3-2-1 का अगर 3-1 RR लगा हुआ तो समझे उस पर गाली गलौज हुई है उसके साथ, अनुसूचित जाति एवं जनजाति बच्चे के साथ यानी व्यक्ति के साथ, और S लगा हुआ इसका मतलब कि उसको धमकियां भी दी गई हैं, तब S भी लगा दिया जाता है। और 3-2 VA ये तब लगाई जाती है जब ये जो धाराएं लिखी हैं, इन धाराओं के तहत कोई अपराध किया गया हो अनुसूचित जाति एवं जनजाति व्यक्ति के साथ। ये धाराएं सब IPC की धाराएं हैं, ध्यान दीजिएगा, ये धारा किस एक्ट की है, IPC की, जिसको इंग्लिश में इंडियन पेनल कोड कहते हैं, हिंदी में भारतीय दंड संहिता कहते हैं, कहीं कहीं FIR में शॉर्टकट में भादसा लिखा होता है, भादसा जिसका मतलब है भारतीय दंड संहिता 1860, ब्रेकेट में अगर 45 लिखा हुआ है तो वो कोई धारा नहीं है, वो एक्ट का नंबर होता है, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। जब कभी किसी व्यक्ति पर धारा 3-2 VA 3-1 RS लगी हुई हो SC ST के मुकदमे में, तब वो जमानत कैसे कराए, किस तरह से जमानत पाए, इसी पे हम लोग चर्चा विधोद करेंगे। सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि जमानत में देखिए, जब कभी किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप होता है तो ये जितनी धाराएं लगी हुई है ना, इसमें कुछ संज्ञेय और कुछ असंज्ञेय दोनों है, कुछ जमानतीय कुछ अजमानतीय दोनों है। ठीक है, जमानती और अजमानती, जमानती अपराध का मतलब होता है ऐसे अपराध जिसमें आरोपी व्यक्ति जब गिरफ्तार किया जाए तो उसे जमानत पर छोड़ दिया जाए, ये उसका अधिकार होता है, उन अपराधों को जमानती अपराध कहते हैं। ऐसे अपराध कम गंभीर होते हैं, इनमें सजाएं कम होती है, और अजमानती अपराध का तात्पर्य ऐसे अपराध से है जिसमें गंभीर अपराध होते हैं, जब आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार होता है तो सामान्यतया उसे जमानत पर नहीं छोड़ा जाता, लेकिन जमानत पे छोड़ा जाना एक नियम है, और जमानत पे ना छोड़ा जाना एक अपवाद है, ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने डिसीजन में कहा है, मोती राम बनाम मध्य प्रदेश के केस में न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर ने साफ साफ कहा है कि अजमानती अपराध में भी, यानी जमानती अपराध में तो जमानत पे छोड़ा जाना अधिकार ही है राइट आरोपी का, लेकिन अजमानती अपराध में भी जमानत पे छोड़ा जाना एक नियम है, ना छोड़ा जाना एक अपवाद है। यानी कुल मिला के न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर क्या कहना चाहते हैं,
कि अजमानती अपराध के आरोप में भी आरोपी को जमानत पे छोड़ दिया जाना चाहिए जब तक कोई बहुत विशेष कारण विद्यमान ना, क्योंकि वो एक जनरल नियम है। तो अब प्रश्न यह है, जब किसी व्यक्ति पर SC ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और 3-2 BA 3-1 RS लग जाती है, तो देखिए SC ST एक्ट लगते ही अगर किसी व्यक्ति पर SC ST एक्ट लग गया है तो वो अपराध IPC में जो मुकदमा दर्ज हुआ है, चाहे वो बैलेबल ऑफेंस हो या नॉन बैलेबल हो, यानी जमानतीय हो या अजमानतीय हो, इससे मतलब नहीं है, पूरा का पूरा अपराध नॉन बैलेबल हो जाता है, अजमानतीय अपराध हो जाता है जैसे ही SC ST एक्ट उस पर लगता है। इसका मतलब क्या होगा कि आरोपी व्यक्ति को जब वो गिरफ्तार होगा तो जमानत पे छूटने का उसका राइट नहीं रह जाता है, यानी जमानत की मांग वो अधिकार पूर्वक नहीं कर सकता है, अब वो केवल कोर्ट के सामने प्रार्थना करेगा हाथ जोड़ के कि साहब मुझे जमानत पे छोड़ दिया जाए, मेरा कोई कसूर नहीं है, या मेरा कसूर जो है वो मैं गलती से, भूल से, बहकावे से, धमकाने से, मजबूरी बस मैंने ऐसा किया है, जीवन में कोई गलती नहीं होगी। तो आप केवल एक प्रार्थना करोगे और वो जज के ऊपर है कि वो आपको जमानत दे या ना दे। ठीक, अग्रिम जमानत का प्रावधान SC ST एक्ट जब किसी पे लगता है तो अग्रिम जमानत का प्रावधान खत्म हो जाता है, यानी गिरफ्तार हुए बिना अगर आप चाहें कि हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन से अग्रिम जमानत ले आए तो ये आपको नहीं मिलेगा, साफ साफ मना कर दिया गया SC ST एक्ट में। हमारे और वीडियो जिसपे पड़े हुए हैं अग्रिम जमानत पे, आप वहां से देख के समझ सकते हैं उसके प्रोविजन को और उसमें क्या कहा गया। तो कुल मिलाकर के SC ST एक्ट लगने पे अग्रिम जमानत आपको नहीं मिलेगी। दूसरा, अग्रिम जमानत को इंग्लिश में एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं, जो CRPC की धारा 438 के तहत मिलती है, वो नहीं मिलेगा, खत्म हो गया है। दूसरा, पूरा का पूरा अपराध जो भी धाराएं लगी हुई हैं वो चाहे कॉग्निजेबल बैलेबल हो या नॉन बैलेबल हो, सब के सब क्या हो जाएंगे, वो नॉन बैलेबल हो जाते हैं, अजमानतीय अपराध हो जाते हैं और संज्ञेय अपराध हो जाते हैं, यानी पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने की पावर मिल जाती है। लेकिन फिर बात यही है, मैंने एक वीडियो में आपको समझाया है कि जिन अपराधों में सजा 7 वर्ष या उससे कम है उसमें हाईकोर्ट का निर्देशन है कि ऐसे अपराधों में विशेष परिस्थितियों के सिवाय गिरफ्तार ना किया जाए, यानी कुल मिलाकर गिरफ्तारी पे रोक लगाया गया। अब प्रश्न ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिसपे धारा 3-2 BA 3-1 RS लगी हो और वो अरेस्ट हो जाए, अग्रिम जमानत तो मिलेगा नहीं, अगर वो अरेस्ट हो जाए तो वो जमानत पर कैसे बाहर आए, कैसे जमानत करवाए। ठीक है, तो अब इसी पे हम चलते हैं, इसी बिंदु पे चर्चा करते हैं। इसमें देखिए, एक होता है बाहर से जमानत, एक होता है अंदर से जमानत। तो पहले इसको समझ लेते हैं। बाहर से जमानत मिलने का मतलब होता है कि आप कोर्ट में हाजिर होंगे और कोर्ट आपको जेल ना भेज करके उसी दिन जमानत पे आपको छोड़ देगी, इसी को कहते हैं बाहर से जमानत मिलना, यानी बिना जेल गए बाहर से ही, बाहर से मतलब कि जेल, कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा, कोर्ट में हाजिर हुए और कोर्ट ने आपको जमानत दे दिया, तो इसको कहते हैं बाहर से जमानत मिलना। दूसरा होता है अंदर से जमानत मिलने का मतलब है कि पुलिस ने आपको अरेस्ट किया या आपने खुद सरेंडर किया, आपको कोर्ट में पेश किया गया, कोर्ट ने आपको जेल भेज दिया, बाद में आपको बेल दे दिया। तो जेल चाहे एक दिन के लिए भेजा हो, 2 दिन के लिए भेजा हो, 4 दिन के लिए भेजा हो, 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने के लिए भेजा हो, जब बाद में आपको जमानत दे दी जाती, जेल भेजने के बाद अगर जमानत मिलती है, चाहे 2 दिन 4 दिन हो, चाहे महीना 2 महीना साल भर हो, तो उसको कहते हैं अंदर से जमानत मिली है, बाहर से जमानत नहीं। अब प्रश्न यहाँ पे ये है कि एक अंतरिम जमानत शब्द का प्रयोग होता है, अंतरिम जमानत, अग्रिम जमानत अलग है, अंतरिम जमानत अलग, अंतरिम का मतलब कुछ समय के लिए। तो अक्सर ये धाराएं जब किसी पे लगे, ये धारा थोड़ी गंभीर धारा है, जब इन धाराओं का मुकदमा किसी पे दर्ज हुआ हो और SC ST एक्ट की धारा 3-2 BA 3-1 RS लगी हो, या इसके साथ साथ 3-1 W का I वो 1 और 2 लगा हो, 3-1 W का I और 1 लगा हुआ हो, मतलब 1 और 2 लगा हुआ हो, तो इन धाराओं में अपराध होने पे 3-1 W भी लगा दिया जाता है। ये सब क्या है, ये सब स्त्री का लज्जा भंग करने वाली धाराएं हैं,
किसी महिला को छूना, कपड़ा फाड़ना, नंगा करना, ठीक है, उसके शरीर को स्पर्श करना, ठीक है, प्राइवेट पार्ट को स्पर्श करना, उसको खींचना, ठीक है, उसको अपशब्द कहना, अश्लील सामग्री दिखाना, ठीक है, इस तरह के कार्य जब किए जाते हैं उससे संबंध बनाने के लिए स्पष्ट प्रपोजल करना, तो ऐसी दशाओं में ये धाराएं लगाई जाती हैं। ठीक है, जैसे 354 लज्जा का अनादर करने के आशय से बल का प्रयोग, हमला का प्रयोग करना, 354 का में उससे लैंगिक संबंध बनाने के लिए कमेंट करना, अश्लील सामग्री दिखाना, मांग करना, 354 घा में उसको विवश करने के आशय से, ठीक है, उस पे जो है कपड़े फाड़ देना, कपड़े उतार लेना, 354 घा में उसका जो है महिला का कहीं एकांत अवस्था में हो, बाथरूम में हो, घर में नहा रही हो, अपने बेडरूम में हो, तो वहां देखना, फोटो खींच लेना, 354 घा लैंगिक प्रयोजन के लिए उसका पीछा करना, चाहे इंटरनेट से मैसेज के माध्यम से बार बार मैसेज भेजना, या ऐसे ही उसे घर आना जाना बार बार, तो 354 घा, ठीक है, लड़की स्कूल जा रही है बार बार उसका पीछा करना, तो ये 354 घा का अपराध। 376 खा, जब पत्नी पारस्परिक सहमति से अलग रह रहे हों और ऐसी दशा में पति के द्वारा संबंध बनाया जाए, तो 376 खा। 376 गा, ठीक है, किसी लोक सेवक के द्वारा, चाहे हॉस्पिटल हो, जेल हो, कोचिंग संस्थान हो, कॉलेज हो, कोई भी ऐसा स्थान जो पब्लिक प्लेस हो, वहां पे महिला की सहमति से संबंध बनाना भी अपराध है। तो ये सब थोड़े से गंभीर धाराएं हो जाती हैं। ये धाराएं कम गंभीर धाराओं की श्रेणी में आती हैं। अगर ये धारा किसी पे लगी हुई है, ये सब तो कम गंभीर होती हैं, ये धाराएं थोड़ी सी गंभीर होती हैं। इसमें भी जैसे 363 हो गया, किडनैपिंग हुआ, ये गंभीर धारा है, अगर किडनैप कर लिया गया है किसी SC/ST व्यक्ति को। तो ये धाराएं जब लगती हैं तो जमानत कैसे कराएं, इसी पे हम लोगों को चर्चा करना है। अब इसमें होता क्या कि ये धाराएं लग जाने पे भी, ठीक है, ये धाराएं लग जाने पे भी अगर अक्सर होता क्या है कि बाहर से जमानत लोअर कोर्ट से मिल जाती है, यानी जो सेशन कोर्ट है जिले पे, वही जमानत मिल जाती है। अगर वो जमानत खारिज कर देगा जमानत का आवेदन, तब हाई कोर्ट हमें जाना होता है। यानी SC/ST एक्ट लगने पर हम डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते हैं, हमें लोअर कोर्ट से ही जमानत मिल जाती है। अगर लोअर कोर्ट ने जमानत को खारिज कर दिया, तब हम अप्लीकेशन हाई कोर्ट में देते हैं जमानत के लिए। अब ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं, इनमें, ठीक है, गंभीर अपराध नहीं होते हैं तो बाहर से जमानत मिल जाता है, यानी जेल नहीं जाना पड़ता, सेम डे बेल हो जाता है। अगर जैसे ये सब धाराएं हैं तो अक्सर कोर्ट कभी कभी क्या करता है कि जेल भेज देता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन के लिए, और फिर उसके बाद जब हम अप्लीकेशन लगाते हैं बेल का, तब वो एक्सेप्ट कर लेता है लोअर कोर्ट ही, हमें वहीं से बेल मिल जाती है। अगर लोअर कोर्ट ने हमारे अप्लीकेशन को खारिज कर दिया, बेल अप्लीकेशन को, तो फिर हम हाई कोर्ट से जाकर के जमानत ले सकते हैं। इन सब धाराओं में अगर ये धारा लगी है तो मान के चलिए बेल होना ही है, चाहे वो 2 दिन 4 दिन में हो, चाहे 6 महीने 1 महीने 2 महीने में हो, लेकिन बेल हो जाती है। लोअर कोर्ट ने, यानी SC/ST कोर्ट ने अगर नहीं दिया है, तो हाई कोर्ट में हमें बेल मिल जाती है। अब प्रश्न यह है कि एक होता है अंतरिम जमानत। अंतरिम जमानत में इन धाराओं में भी ही बाहर से बेल मिल जाता है कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए कि साहब अगली पेशी पे हाजिर होना है, ठीक है, तो अगली सुनवाई तक के लिए जमानत दे दिया जाए, तो अगली सुनवाई तक के लिए अंतरिम जमानत भी दे दिया जाता है। तो वो अंतरिम जमानत उसी सेशन कोर्ट से ही, यानी SC/ST कोर्ट से ही मिल जाती है, हाई कोर्ट हमें जाने की जरूरत नहीं होती। अब प्रश्न ये है कि जमानत के लिए हम कहें क्या कोर्ट में। तो ये जो अपराध हुए हैं, अगर ये अपराध फर्जी तरीके से दर्ज हो गए हैं, अपराध फर्जी तरीके से दर्ज हो गए हैं, तो उसके मजबूत साक्ष्यों के साथ हमको कोर्ट में पेश होना होता है। खासतौर से वीडियो रिकॉर्डिंग वगैरह अगर हमारे पास है, हमारे पास अच्छे गवाह हैं, ठीक है, कोई रिकॉर्ड हमारे पास है कि यार वो फर्जी है, तो उन सब रिकॉर्डों को हम कोर्ट में पेश करके जमानत प्राप्त कर सकते हैं। बस ये समझे कि वैसे तो बाहर से जमानत मिल जाता है, अब डिपेंड करता है जो आपका अधिवक्ता है वो कितना जो है तेज तर्रार है उसमें। अगर अधिवक्ता महोदय काफी तेज तर्रार है, समझदार है, तो वो बाहर से बेल करवा लेंगे। अगर बाहर से बेल नहीं भी हो पाता है, तो वो बाद में 2-4 दिन बाद बेल अंदर जाने के बाद करवा लेते हैं, क्योंकि इतना गंभीर मामला ये सब नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा कि मोतीराम के केस में साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज मानते अपराध में भी जमानत पे छूटना एक नियम है, न छोड़ा जाना एक अपवादिक नियम।
तो जमानत में, क्योंकि जब किसी व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता है तो उसकी दैहिक स्वतंत्रता जो फंडामेंटल राइट है वो वायलेट होने लगती है, ठीक है। तो और उसको इसीलिए जमानत में छोड़ दिया जाता है अगर उससे कोई बहुत ज्यादा खतरा या अशांति नहीं। लेकिन हाँ, अगर खूंखार व्यक्ति है, बार बार अपराध को कर रहा है, तो हम उसके जो है कोर्ट उसको जमानत मंजूर नहीं करती, जेल भेज देती। लेकिन कोई व्यक्ति जमानत पे छूट के अगर बाहर भी आए तो भी उसकी जमानत को रद्द करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसकी जमानत को रद्द नहीं करवा सकता, बिल्कुल जमानत को रद्द करवाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको फिर हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन का रुख करना होगा, ठीक है। तो उसको भी मैं अलग से वीडियो बना के आपको समझाऊंगा कि अगर किसी को जमानत दे दिया गया है और उसके बाद जो डरा धमका रहा है, आकर के धमकियां दे रहा है, तो उसके जमानत को हम कैसे खारिज कराएं। लेकिन जमानत कैसे कराएं इन अपराधों में, ये धाराएं लगी हैं, तो जमानत पे आप छूट जाएंगे, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अधिवक्ता समझदार हैं, तेज तर्रार हैं, तो वो बाहर से ही बेल करवा लेंगे। अक्सर छोटे छोटे अपराधों में बाहर से बेल मिल ही जाता है। अक्सर जो मारपीट के मामले होते हैं वो 323, 504, 506, 324 यही धाराएं लगाई जाती हैं। 300 का खा लगा दिया जाता है, ठीक है, 354 लगा दिया जाता है। तो 354 और 354 का या खा थोड़ी सी गंभीर धारा है, लेकिन 323, 324, 504, 506 गंभीर धारा नहीं है। इसमें आपको बाहर से आसानी से बेल उसी कोर्ट में मिल जाती है। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। हाँ, हमारे यहाँ पीसीएचजे एपीओ एचजेएस की तैयारी भी कराई जाती है। जिस किसी बच्चे को ये तैयारी करना हो, वो आप इस नंबर पे संपर्क करके जो है अपनी सुविधा अनुसार क्लास ज्वाइन कर सकता है। साथ ही साथ इस विषय पे जो मैंने आपको समझाया, अगर कोई बात नहीं भी समझ में आती है तो भी आप इस नंबर पे संपर्क करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसके अलावा भी किसी और विषय पे विधि के, इसके अलावा भी विधि के किसी अन्य विषयों पे भी आप जानकारी लेने के लिए, ठीक है, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी, कैसे जमानत कैसे कराया जाए, ठीक है। और अब इसके अलावा जमानत कैसे रद्द कराया जाए, इस पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और एफआईआर कैसे क्वेश कराया जाए, इस पे भी अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हर तरह की समस्या का समाधान आपको इसी चैनल पे मिलेगा, दूसरे चैनल पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। और जो चीजें यहाँ बताई जाती हैं ऑथेंटिक होती हैं, बिल प्रोविजन के साथ होती है, आप कहीं भी उस प्रोविजन को दिखा सकते हैं, ठीक है। हक पूर्वक आप इस वीडियो के आधार पे अपने राइट का दावा कर सकते हैं। हाँ, अगर कभी कोई डाउट हो तो आप तुरंत इस नंबर पे संपर्क करके अपने डाउट को क्लियर भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।